हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस टावर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 6 मार्च 2023 के लिए। तो चलिए हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं इंडस टावर में यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 1.91% का नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। 167 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। क्या आने वाले दिनों में ऐसे जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं हमारे वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम जो देखने वाला, कैंडल यहाँ पे जरूर एक स्मॉल टू मीडियम से इसके दोनों के साइड में छोटी छोटी हमें विक जो देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई, आरएसआई हमारा 49.50 के आसपास आ चुके हैं यानी कि एकदम ही न्यूट्रल सा दोनों साइड का इशारा दे रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का एक्सपेक्टेड है। स्टॉक में हमें डाउन साइड जो सबसे पहले 164 के आसपास देखने मिला और उसको भी क्रॉस कर दिया गया तो स्टॉक में डाउन साइड जो है वो हमें 159 तक इजीली आते हुए देखने मिल सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे आप स्टॉक में कॉशियसली काम करें, स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है स्टॉक कभी भी आपको जो है 172 के ऊपर अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं तो कहूँगा स्टॉक को आराम से वापस से गिरने दे। स्टॉक कभी भी आपको जो है 137 के आसपास या फिर 140 के आसपास आते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, बहुत ही बढ़िया बाइंग का लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी यहाँ पे आप जो है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लेवल है तो 100% कैपिटल आप यहाँ पे यूटिलाइज ना करें, सिर्फ और सिर्फ 20-25% तक का कैपिटल यूटिलाइज करें। बाकी का यहाँ पे आप होल्ड करेंगे, जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% के देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं मंडे के दिन यानी कि यहाँ पे हमें फ्राइडे क्लोजिंग वैसे मंडे को क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस ऐसा यहाँ पे मार्क्ड है तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे जरूर डेटा में जो है चेंजेस देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग की, 167 के आसपास क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 165.75 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 168.05 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज जो है समझाई है। बाकी अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रीजन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रीजन वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 164.45 का, उसके बाद क्या था 163.15 का, यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 170.70 का, उसके बाद क्या था 172.95 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है, 168.05 से लेकर 170.70 के रेंज में हमारी
क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन जरूर है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन यानी कि मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।